चलिए हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है? बहुपद 2y^3 + 4y^2 + 3y + 1 को y^1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो यार, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देखना जरूर, ठीक है। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। कैसे हल करेंगे भाई? सबसे पहले हल लिखना डेस, और जो ये बहुपद दिया है उसको आपको ज्यों का त्यों उतारना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, जैसा दिया है वैसा ही इसको उतार लेना है और फिर इसको कोष्टक में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद भागित का चिन्ह लगाना है और फिर भाजक को लिखना है। अब देखो यार, ये क्या है ना, एक से अधिक पद है, एक से अधिक पद है तो यहाँ पर कोष्टक लगाना अनिवार्य है। वैसे ही ये भी एक से अधिक पद है इसलिए यहाँ पर भी कोष्टक लगाना अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो घाते हैं ये घटते हुए क्रम में है कि नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y की घात कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर तो y वाला ही पार्ट नहीं है, है ना, y ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पर y की घात 0 है, ठीक है। एक चीज याद रखना, किसी भी संख्या की घात जब 0 होता है, ठीक है, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यदि यहाँ पर y की घात 0 होता, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता 1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर y नहीं लिखा गया, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि जहां पर y नहीं लिखा है या फिर x नहीं लिखा है, तो ऐसे स्थिति में जैसे कि इस प्रश्न में y चल रहा है ना, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर y की घात 0 है, ठीक है। तो घाते कैसे भाई, घटते हुए क्रम में 3, 2, 1, 0, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर y की घात कुछ भी नहीं दिया, मतलब कि क्या है, 1, और यहाँ पर y ही नहीं दिया है, इसका मतलब है y की घात 0। तो घाते क्या है, घटते हुए क्रम में है। तो एक बार जब आप ये निश्चित कर लेंगे कि घाते घटते हुए क्रम में है, उसके बाद यहाँ पर भाग की प्रक्रिया को आपको शुरू करना है, ठीक है। तो जो यहाँ पर भाज्य है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, 2y^3 + 4y^2 + 3y^1। ओके, अब यहाँ पर हम जो भाजक है उसको लिख लेंगे, ठीक है, ये कर लिए। तो अब यहाँ पर क्या करना है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अपन को इनके साथ ऐसी संख्या का गुना करना है कि ये वाला ये बन जाए, ठीक है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिए, इनके साथ हमें ऐसी संख्या का गुना करना है कि ये जो y है ये क्या बन जाए, 2y^3 बन जाए, ठीक है। तो देखो y है, यदि हम इसमें 2y^2 का गुना करें, ठीक है, तो भाई 2 का गुना करोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, y और y^2 को गुना करोगे तो 1 + 2, ठीक है भाई। क्या होता है, आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती है, आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती है। कक्षा 7वीं में पढ़े, 8वीं में भी पढ़े, ठीक है, 9वीं में भी पढ़े, है ना। तो आधार समान होती है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा y^3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं जान रहा हूं कि इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, लेकिन यदि हम स्टूडेंट है तो हम कैसा पता करें, ठीक है, कि क्या का गुना करें, है ना। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, क्या करना है, ज्यादा दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। देखो भाई दोनों को देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 का गुना करोगे तभी 2 आएगा, तो सिंपल सा 2 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर y की घात क्या है, 1 है, यहाँ पर y की घात क्या है, 3 है। डिफरेंस देखो, 3 - 1 कितना होता है, 2, तो यहाँ पर लिख दो y^2, ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है।
अब देखो भाई, ये 2y की घात 2 है, इसका गुना इन दोनों के साथ होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो 2y की घात 2 का गुना जब इसके साथ होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2y की घात 3। इसके बराबर लाने के लिए ही तो इसका गुना किए है ना। अब 2y की घात 2 का गुना जब धन 1 के साथ करेंगे तो यहां पर आ जाएगा -2y की घात 2, ठीक है। अब यहां पर लाइन खींचना है। अब देखो यार, अपन को पता है कि भाग जब करते हैं तो यहां पर क्या होता है, घटाने की संक्रिया होता है। क्या होता है, घटाने की संक्रिया, ठीक है। और घटाने की संक्रिया में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यदि हमारे पास एक संख्या है 4, उसमें से मैं -2 को घटाता हूं, क्या कर रहा हूं, मैं -2 को घटा रहा हूं, तो ये जो ऋण है इस धन के साथ गुना होके क्या करता है, उसको ऋण बना देता है। क्या करता है, उसको गुना करके ऋण बना देता है, मतलब कि धन वाले को वो क्या कर देता है, ऋण कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से 4 में यदि मैं ऋण 2 को घटाता हूं तो ये ऋण इस ऋण के साथ गुना करके इसको क्या कर देगा, धन कर देगा, मतलब कि ऋण को धन बना देता है और धन को ऋण बना देता है। तो यहां पर करना क्या है, नीचे वाली जो संख्या है उसको देखना है, यदि ये धनात्मक है तो आपको यहां पर लिखना है ऋण, ये भी धनात्मक है यहां पर लिखना है ऋण, और यदि मान लो ऋणात्मक रहता तो क्या लिखते, धन, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहां पर घटाने की संक्रिया होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोनों सेम है, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, क्या होगा भाई, कट जाएगा। हमारे किताब में इसी तरीके से काट के बताया गया है, यदि आप नहीं काटते हो तो सिंपल सा यहां पर नीचे में 0 लिख दो, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा, है ना। लेकिन जैसा किताब में बताया है हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। अब इनको देखते हैं, ये धन है ये ऋण है, एक जगह धन है एक जगह ऋण है, तो क्या होगा, घटाने की संक्रिया होगा, ठीक है। एक जगह धन है एक जगह ऋण है, तो क्या होगा, घटाने की संक्रिया होगा, ठीक है। 4y की घात 2 में से 2y की घात 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 4 में से 2 घटाओगे तो कितना बचता है, 2 बचता है। 4y की घात 2 में से 2y की घात 2 को घटाओगे तो 2y की घात 2 बचेगा। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि 4 आम हैं, उसमें से 2 आम को घटा रहे हैं, कितना बचा, 2 आम बचा। अब आम लिखने की जगह आप लिख सकते हो y की घात 2, ठीक है। तो इस तरीके से है, कई बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि यार 4 में से 2 को घटाए हैं, चलो ठीक है, तो y की घात 2 में से y की घात 2 को क्यों नहीं घटा है ना। तो थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि 4 आम में से 2 आम घटा रहे, तो ये जो y की घात 2 है इसके साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, ठीक है। किस तरीके से जुड़ा हुआ है, गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, तो गुना के रूप में जुड़ा होता है तो सामने की संख्याओं को घटाते हैं, ठीक है। ये जो आपका बीजी पद है जो इसमें गुना हुआ है उसको नहीं घटाते है ना, और वैसे भी सजाती पदों में ही घटाने की प्रक्रिया होता है, ठीक। तो ये हो गया भैया। अब देखो ये धनात्मक है, बड़ी संख्या कैसी है, धनात्मक, इसलिए ये वाला धनात्मक है, ठीक है। और धन को यहाँ पर प्रथम पद में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रथम पद में धन के चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ऋण के चिन्ह को लेकिन लिखा जाता है, ओके, हो गया। अब यहाँ पर जो ये है इसको हम उतार लेते हैं, और जब भी कोई पद को आप नीचे उतारोगे याद रखना सामने के चिन्ह को भी साथ में लेकर आओगे, ठीक है, सामने के चिन्ह को भी साथ में लेकर आना है। तो यहाँ पर आ गया 3y। अब ये जो y है इसको अपन को बनाना है, ये पहला पद, ठीक है। तो दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 नहीं है, कैसे आएगा, जब 2 का गुना करेंगे। और ध्यान रखना कि ये कैसा है, धनात्मक है ना,
ये भी कैसा है, धनात्मक है। तो जब इसमें हम धन दो का गुना करेंगे तभी तो यहाँ पर धन दो आएगा, ठीक है। तो धन दो, धन दो, धन दो का गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जब धन दो का गुना करोगे तब ये धनात्मक पद आएगा, ठीक है। अब इसकी घात है एक, इसकी घात है दो, दोनों में डिफरेंस कितना है, एक का। तो y, y की घात एक। अब y की घात एक जब रहता है तो घात को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये हो गया, चलो भाई इसको मिटा देते हैं, है ना। तो धन दो वाय का गुना जब इसके साथ करेंगे, जब इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, दो वाई की घात दो, और धन दो वाय का गुना धन एक के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा दो वाय, ठीक है भाई। यहां पर भी क्या होगा, घटाने की संक्रिया होगा, घटाने की संक्रिया से जो धनात्मक पद है वो क्या बन जाते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ऋण का चिन्ह इस तरीके से लिखेंगे, दोनों सेम है, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तीन वाय में से दो वाय को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तीन वाय में से दो वाय को घटाना है, ठीक। तो कितना बचेगा, एक वाय बचेगा, ठीक है। तो एक वाय को हम सिंपली लिखते हैं वाय, एक वाय को हम सिंपली क्या लिखते हैं, वाय लिखते हैं, क्योंकि एक और y का गुना करोगे तो y ही मिलेगा, ठीक है। ये जो सामने में संख्याएं लिखा होता है ना, एक्चुअल में बगल वाले के साथ वो गुना कर रहा होता है, ठीक है। तो एक और y का गुना करोगे तो y ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर तीन y में से जब दो y को घटाएंगे और एक y आएगा तो उसको हम सिर्फ y लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया धन एक, धन एक को उतारते। अब इसको और इसको देखो, दोनों सेम सेम है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, किसी भी संख्या में, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं ए, इसमें जब हम एक का गुना करते हैं तो अपन को ए ही मिलता है, मतलब कि यदि हम इसी को यहां पर लाना चाहते हैं तो क्या का गुना करना पड़ेगा, एक का, ठीक है। अब ये एक धनात्मक होना चाहिए क्योंकि ये दोनों पद कैसे धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो धन एक का गुना करोगे तभी यहाँ पर नीचे में धनात्मक पद आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं धन एक, धन एक का गुना इनके साथ करेंगे तो सेम टू सेम ये आ जाएगा यहाँ पर, और फिर से चूंकि यहाँ पर घटाना की संक्रिया हो रहा है, ये जो धनात्मक पद है ये कैसे हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। y y एक जगह धन है एक जगह ऋण है, कट गया, धन एक ऋण एक कट गया, आया क्या यहाँ पर, शून्य, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यहाँ पर हम भाग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ठीक है। लास्ट में आपको नीचे में लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अतः भागफल बराबर दो वाय की घात दो धन दो वाय धन एक, और शेष फल कितना है भाई, शेष फल है शून्य, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक चार को। प्रश्न क्रमांक चार क्या बोलता है, बहुपद एक्स की घात पांच धन पांच एक्स धन तीन एक्स की घात दो धन पांच एक्स की घात तीन धन तीन को चार एक्स धन एक्स की घात दो धन दो से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले हल लिखिए, डेस कीजिए, और जो ये बहुपद दिए हैं ज्यों का त्यों उतारना है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यों का त्यों उतारना है और कोष्टक में रखना है, ठीक है भाई। यहाँ पर भागी तचिन लगाओगे और उसके बाद जो ये भाजक वाला बहुपद है उसको आपको लिखना है।
अब यहाँ पर देखिए जो घाते हैं x की घात है वो घटते हुए क्रम में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी x की घात घटते हुए क्रम में नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले घातों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे करोगे देखो, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना, ठीक है, फिर से कोष्टक लगाना, यहाँ पर देखना सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो x की घात 5 सबसे बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ो और देखो सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो यहाँ पर तो x की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 3। तो इसके चिन्ह के साथ, सामने में कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह, ठीक है, तो चिन्ह के साथ उसको सामने लाना है, धन 5 x की घात 3। फिर उसके बाद इसको लाएंगे, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, धन है, तो धन के साथ, ठीक है, 3 x की घात 2। उसके बाद ये वाला जो पद है उसको लिखेंगे 5 x और लास्ट में बिना x वाला को, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो घाते हैं वो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित हो चुका है, ठीक है। भागित का चिन्ह लगाएंगे और सेकंड वाला जो बहुपद है उसको भी x के घातों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हो गया x की घात 2 धन 4x धन 2, ठीक है भाई, हो गया। अब भाग की जो प्रक्रिया है उसको आपको शुरू करना है, तो इस तरीके से निशान बनाएंगे, अंदर में किसको लिखेंगे, जो ये बहुपद है उसको, x की घात 5 धन 5x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 5x धन 3, इस तरीके से, ओके। और फिर ये वाले को इधर लिखना है, x की घात 2 धन 4x धन 2। अब अपन को क्या करना है, ये जो पहला पद है, ठीक है, इसको बनाना है इसके बराबर। अब दोनों को देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो किसी संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर x और यहाँ पर x है, दोनों की घातों को देखो डिफरेंस कितना है, 2 में कितना जोड़ोगे तो 5 होगा, 3 जोड़ने से 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x लिखो और x की घात 3 लिखो, x की घात 2 और x की घात 3 को गुना करेंगे तो x की घात 5 होगा, ठीक है, सिंपल है। अब ये तो तय हो गया कि यहाँ पर क्या लिखना है, अब ये जो x की घात 3 है उसका गुना इन तीनों के साथ करना है, ठीक है। x की घात 2 के साथ जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की घात 5, फिर उसके बाद x की घात 3 का गुना जब धन 4x के साथ करोगे तो यहाँ पर आएगा 4 x की घात 1 और ये 3 जब जुड़ेगा तो हो जाएगा x की घात 4, ठीक है। धन 2 का गुना जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा धन 2 x की घात 3, ओके, क्लियर। अब यहां पर क्या लोचा है, x की घात 5 है, चलो ठीक है, x की घात 4 है और यहां पर x की घात 4 है ही नहीं, यहां पर x की घात 3 कहां पर आ रहा है, x की घात 2 वाले के नीचे में आ रहा है। अब यदि हम इस तरीके से इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है उसको ध्यान से समझिएगा, यहां पर 5 है, 5 के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, लेकिन यहां पर 4 है नहीं, ठीक है। तो अपन यहां पर लिखेंगे 0 x की घात 4। अब यहां पर देखो, जब 0 का गुना x की घात 4 के साथ करोगे तो 0 ही मिलेगा, इसका मतलब ये जो आपका बहुपद है इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो इसको लिख क्यों रहे हैं, इसको लिख इसलिए रहे हैं कि यहाँ पर नीचे में x की घात 4 आने वाला है, ठीक है। अब मान लो आने वाला है और मान लो नहीं आने वाला है, दोनों ही स्थिति में आपको इसको लिख लेना चाहिए, ठीक है, दोनों ही स्थिति में क्या करना है, लिखना है। ध्यान क्या देना है समझिएगा, जैसे 5 है
पांच के बाद चार आना चाहिए, चार के बाद तीन आना चाहिए, तीन के बाद दो आना चाहिए, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि जब आप ऐसे लिख रहे हो तो सभी घात आने चाहिए, पांच के बाद चार, चार के बाद तीन, तीन के बाद दो। और यदि यहाँ पर नहीं दिया है तो लिखने का तरीका ये है कि घात को सही लिखो और यहाँ पर शून्य का गुना कर दो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चार के बाद कौन सा वाला है, तीन वाला है, तो धन पांच एक घात तीन, ठीक है। तीन के बाद कौन है, दो, तो यहाँ पर आ जाएगा तीन एक घात दो, और दो के बाद कौन सा है, एक, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा पांच एक, और एक के बाद क्या होता है, शून्य, और एक घात शून्य का मान क्या होता है, एक, मतलब बिना एक वाला पद, तो ये हो गया आपका तीन। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजों को लिखा जाता है, ठीक है। अब घटाने की संक्रिया होती है, घटाने की संक्रिया होता है तो क्या होता है, धन वाले ऋण हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। तो ये जो x घात पांच ये क्या है, धनात्मक है, ये हो जाएगा ऋण, ये भी धनात्मक है, ये भी ऋण हो जाएगा, ये धनात्मक है, ये भी ऋण हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x घात चार वाला और x घात चार वाला को देखते हैं। देखो भैया ये तो हो गया जीरो, ठीक है, और ये वाला हो गया ऋण चार एक घात चार, क्या है, ऋण चार एक घात चार। अब ये धन को भूल जाओ, है ना, यही धन ये हुआ, है ना, तो इसको क्या पढ़ोगे, ऋण चार एक घात चार, तो ये वाला शून्य हो गया है, तो सीधा सीधा इसको उतार देते हैं, ऋण चार एक घात चार, ठीक है। अब घात में जो तीन है ना उनको ध्यान से देखते हैं, ये धनात्मक है और ये हो गया ऋणात्मक, तो क्या होगा, घटाने की संक्रिया होगा, ठीक है। पांच में से दो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तीन एक घात तीन। अब इसके आगे में कौन सा चिन्ह लगेगा, जो चिन्ह बड़ी संख्या के सामने में है, तो यहां पर देखो ये पांच बड़ी है और इसके सामने में धन का चिन्ह है, तो यहां पर हम लगा देंगे धन का चिन्ह, ठीक है भाई। अब इसके बाद ये वाले भैया को उतारो, यहां पर तीन एक घात दो, ठीक। अब इसको देखो और इसको देखो, इसको हमें इसके बराबर करना है, समझ आ रहा है, ये जो पहला पद है इसको हमें इसके बराबर करना है। अब यहां पर क्या क्या है, ऋण चार, सबसे पहले तो देखो ऋण चार है, ऋण चार का गुना इसमें करना पड़ेगा, है ना, तो हम लिख लेते हैं ऋण चार। अब यहाँ पर एक घात दो है, यहाँ पर है एक घात चार, ठीक है, दो में क्या को जोड़ोगे तो चार होगा, दो में दो को जोड़ेंगे तो चार होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक घात दो, ठीक है। ऋण चार एक घात दो का गुना जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा ऋण चार एक घात चार, ठीक है। अब ऋण चार एक घात दो का गुना इसके साथ करेंगे, धन और ऋण गुना होके क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, चार चौक सोलह हो जाएगा, एक घात एक और एक घात दो जब गुना होंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की घाते जुड़ जाएगी तो एक घात तीन हो जाएगा, ठीक है। अब ऋण चार एक घात दो का गुना धन दो के साथ करेंगे तो धन और ऋण गुना होके ऋण दो चौका आठ एक की घात दो। अब यहां पर भी घटाने की संक्रिया हो रहा है तो जो जो ऋणात्मक है वो सब धनात्मक हो जाएंगे, मतलब कि ये ऋण धन बन जाएगा, ये वाला ऋण भी धन बन जाएगा, ये वाला ऋण भी धन बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया, दोनों सेम है, ये ऋण है ये धन हो गया, कट गया भैया। अब यहां पर देखो धन धन दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक है तो क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है, तीन और सोलह जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, उन्नीस, तीन और सोलह जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, उन्नीस हो जाएगा, और क्या उन्नीस होगा भाई, तीन एक घात तीन और सोलह एक घात तीन जुड़ेगा तो उन्नीस एक घात तीन होगा, दोनों धनात्मक है तो ये जो योगफल मिल रहा है वो धनात्मक ही है, यहाँ पर धन के चिन्ह को अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं,
ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी दोनों धनात्मक हो गए, ठीक है भाई, धन धन है ना, तो 3, 8, 11 धन 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 3, 8, 11 x^2। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका 5x है, धन 5x, इसको उतारेंगे, ठीक है। अब x^2 को हमें ये बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 19 का गुना करना पड़ेगा, और वो भी कैसा 19, धन 19, क्योंकि ये धन है, धन और धन गुना होगा तो धन होगा, है ना। तब यहां पर धन लिख दो, ठीक है, क्लियर। 19, 2 में क्या को जोड़ोगे, 3 होगा, 1 को जोड़ोगे तो 3 होगा, तो यहां पर लिख देते हैं x, x^1, मतलब कि x, 19x का गुना जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19x^3। 19x का गुना जब इसके साथ करेंगे, सबसे पहले तो धन और धन को देखो, गुना होगा तो क्या बन जाएगा, धन 19 × 76, ठीक है, कितना होता है, 19 × 76 होता है। x और x गुना होके क्या हो जाएगा, x^2 हो जाएगा, ठीक है। और 19x का गुना जब 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 38x, धन और धन गुना होके धन, 19x और 2 गुना होके क्या हो जाएगा, 38x। अगेन यहाँ पर घटाने की संक्रिया है, और ये सभी पद धनात्मक है तो क्या बन जाएंगे, ये ऋणात्मक। ओके, पहला पद सेम टू सेम है, एक जगह धन एक जगह ऋण है, कट जाएंगे। यहां पर देखिए, एक जगह धन है एक जगह ऋण है, क्या होगा, घटाने की संक्रिया होगा, ठीक है, घटाने की संक्रिया होगा। 76 में से 11 को घटाएंगे, तो देखो भाई, 6 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 5, 7 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, 6, और चूंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक हो गया है तो ऋण, ठीक है, 1^2। यहां पर भी एक जगह धन है एक जगह ऋण है, तो क्या होगा, घटाने की संक्रिया होगा, ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, है ना। तो 38 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33x, और चूंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक हो गया तो यहां पर आ जाएगा ऋण, ठीक है। अब ये जो धन 3 है इसको हम यहां पर उतार लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहां तक आपको चीजें अच्छे से समझ आया होगा। अब x^2 है, इसको बनाना है ऋण 65x^2, क्या बनाना है, ऋण 65x^2। तो क्या का गुना करोगे, धन को ऋण बनाने के लिए ऋण का गुना करना पड़ता है, यहाँ पर तो कोई संख्या ही नहीं है, 65 लाना है तो सीधा सीधा 65 का गुना करना पड़ेगा, x^2, यहाँ पर x^2 दोनों बराबर है, तो x वाले जो पोर्शन है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हो गया, गुना करते हैं, ऋण 65 का गुना इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 65x^2, 65 का गुना इसके साथ करेंगे तो क्या होगा भाई, 4 का गुना 65 के साथ करो, अब डायरेक्ट पहाड़ा नहीं आता है ना, अपन इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो ऐसा गुना कर लेते हैं, ठीक है। 4 × 5 = 20, 8 × 2 = 2, 4 × 6 = 24, 24 × 2 = 36, कितना आया, 260, ठीक है। और चूंकि ये ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, कितना हुआ, ऋण 260 x, ये x भी तो है, और धन 2 का गुना ऋण 65 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130, ऋण 130। अगेन यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया होगा, और हमारा ब्लैक बोर्ड खत्म आया, अब कहाँ लिखे बबुआ, है ना, चलो यहाँ का तो काम खत्म करते हैं। ऋण है ये क्या बन जाएगा, धन, ये ऋण है क्या बन जाएगा, धन, ये ऋण है क्या बन जाएगा, धन, ठीक है। पहला पद सेम टू सेम कर गया, ठीक है, यहाँ पर ये ऋण है ये धन है, तो क्या होगा, घटाने की प्रक्रिया होगा,
260x में 33x को घटाना है। सिंपल सा लिख लो 260 ऋण 33, ठीक है। कितना होगा हासिल मांगेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, ये हासिल दिया था तो खुद कितना हो गया 5, 5 में से 3 गया 2 और ये 2 आ गया, ठीक है। कितना आया 227। चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है भाई, लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला तो 0 हो गया है ना, और फिर आ रहा है 227x, और चूंकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो धनात्मक हो गया है, इसलिए जो आ रहा है 227x ये कैसा है, धनात्मक है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दोनों धनात्मक है, एक जगह 3 है एक जगह 130 है, दोनों जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 133, और कैसा 133, धनात्मक 133, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर ये वाला जो है आपका भागफल है, और ये क्या है भाई, आपका शेषफल है। आंसर को आपको सही तरीके से लिखना है, तो कहाँ पर लिखोगे, पूरा भाग लोगे और फिर नीचे में आपको लिखना है, अतः भागफल बराबर इतना, शेष बराबर इतना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जगह नहीं पूर रहा है तो यहीं पर इसको मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे, अतः भागफल बराबर 3x^3 ऋण 4x^2 धन 19x^65 और शेषफल बराबर 227x+133, ठीक है। तो इस तरीके से, चलो भाई इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, है ना। आप आंसर को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोलता है, बहुपद x^2 ऋण 2xy / y^2 को x ऋण y से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो यार, इस प्रश्न को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका जैसे अभी हमने भाग दिया था उस तरीके से, और दूसरा तरीका है सूत्र विधि से, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो ये दिया है उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। x^2 ऋण 2xy / y^2 / x^y, अभी तक जो हम प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, उसमें क्या था, या तो x आता था या तो y आता था। तो हम क्या करते थे, x आता था तो x के घातों के घटते हुए क्रम में जमाते थे, y आता था तो y के घातों के घटते हुए क्रम में जमाते थे। लेकिन यहाँ पर तो x और y दोनों हैं, ठीक है, तो क्या करें। तो ऐसे स्थिति में किसी भी एक जो आपका राशि है उसको पकड़ो, ठीक है, और उसके घातों के घटते हुए क्रम में जमा दो। जैसे ये 2 है, इसके बाद 1 है, यहाँ पर x नहीं है मतलब x^0 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो x है, यहाँ पर x नहीं है मतलब x^0 है। तो इस तरीके से जमाया जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से लिखिए, जो आपका भाज्य है उसको यहाँ पर लिखो x^2 ऋण 2xy / y^2, और ये जो x - y है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब पहला पद क्या है भाई, यहाँ पर x है, इसको हमको क्या बनाना है, x^2, ठीक है। दोनों के घात में अंतर देखो कितने का है, 1 का अंतर है, मतलब कि यहाँ पर x का गुना करना पड़ेगा। x का गुना x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x^2। x का गुना ऋण y के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण x y, ओके। ये ऋण, ये क्या हो जाएगा, धन, दोनों सेम है, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है।
ये दोनों सजाती पद हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं, सजाती पद हैं। दो एक्स वाई में से एक्स वाई को जब घटाएंगे, ठीक है, देखो भाई एक जगह ऋण है एक जगह धन है, एक जगह ऋण है एक जगह धन है, तो क्या होता है घटाने की संक्रिया होता है, ठीक है। दो एक्स वाई में से एक्स वाई को घटाओगे तो कितना एक्स वाई बचेगा, एक एक्स वाई बचेगा, और एक एक्स वाई है तो एक को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर जो दो एक्स वाई है, ठीक है, वो कैसा है ऋणात्मक है, जो बड़ी संख्या वो कैसा है ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ऋण। फिर उसके बाद ये जो धन y की घात 2 है इसको हम उतार लेंगे। अब ये x है, इसको बनाना है आपको ऋण एक्स वाई, तो सबसे पहले तो अपन को ऋण को गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऋण लिख लेते हैं, और x में जब y का गुणा करोगे तब ये एक्स वाई होगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा y, ठीक है। ऋण y का गुणा x के साथ करोगे तो ये हो जाएगा ऋण एक्स वाई, और ऋण y का गुना ऋण y के साथ करोगे तो ऋण और ऋण गुना होके हो जाएगा धन, y और y गुना होके हो जाएगा y की घात 2, इस तरीके से, ठीक है। अब ऋण वाला धन बन जाएगा, धन वाला ऋण बन जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है, एक जगह ऋण एक जगह धन है, कट गया, दोनों सेम है एक जगह धन एक जगह ऋण है, कट गया, यहाँ पर आ गया शून्य, ठीक है। अतः भागफल बराबर एक ऋण वाई और शेषफल बराबर शून्य, ठीक है। देखो इस प्रश्न में अपन को क्या बोला है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात करो। जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है, तभी तो आपको भागफल और शेषफल अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है, तो ज्यादा बेटर है कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व करो। लेकिन एक और तरीका है, ठीक है, जो हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है, तो उस तरीके से भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करना है उसको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। शुरू में तो ऐसे लिखना है, उसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ और बटे का लाइन खींचो, ठीक है। x की घात 2 ऋण 2 एक्स वाई धन y की घात 2, यहाँ पर नीचे में आ जाएगा x ऋण y, ओके। इसको हमन कोष्टक में रख लेते हैं, इसको भी कोष्टक में ही रख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सूत्र चूंकि a माइनस बी होल स्क्वेयर, अब होल स्क्वेयर की जगह अपन लिख लेते हैं a माइनस बी एक बार और, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है भाई। यदि हम ऊपर वाले पे देखें, ऊपर वाले को देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, x की घात 2 यहाँ पर है a की घात 2, ऋण 2 एक्स वाई यहाँ पर है ऋण 2 ए बी, ठीक है, धन y की घात 2 धन b की घात 2। अब किसी किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर जब एक्स वाई के रूप में इसको दिया है और फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है, तो हम इस फार्मूला को एक्स वाई के रूप में क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो देखो जो संकेत को आपको प्रश्न में इस्तेमाल कर लिया है उसको सूत्र के लिए इस्तेमाल मत करना, ठीक है। जिन संकेतों को प्रश्न में दिया है उन संकेतों को सूत्र के लिए इस्तेमाल नहीं करना। यदि यही वाला प्रश्न में ए बी दिया रहता तो सूत्र आपको एक्स वाई के रूप में लिखना है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स की घात 2 ए की घात 2 मतलब एक्स ए, ठीक है, और बी की घात 2 वाई की घात 2 मतलब यहाँ पर बी। अब ए माइनस बी ए माइनस बी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। इस सूत्र के अनुसार ये जो ऊपर वाला है उसका वैल्यू ये हो गया और नीचे में जो है वो क्या है आपका एक्स माइनस वाई। अब देखो ये और ये कट जाएगा, आया क्या एक्स माइनस वाई,
ये क्या है भैया आपका भागफल? तो ये क्या है भैया, ये है आपका भागफल, ठीक है, ये क्या है भागफल। अब यहाँ पर शेषफल क्या होगा? अब एक चीज याद रखना भाई, जैसे कि मान लो चार है, चार को मैं दो से भाग दे रहा हूँ, किससे भाग दे रहा हूँ, दो से, ठीक है, चार को मैं दो से भाग दे रहा हूँ, भागफल कितना आ रहा है, दो आ रहा है। अब यदि मैं दो और इसको गुना करता हूँ तो क्या आ रहा है, चार, मतलब कि ये वाला आ रहा है, भाजक और भागफल, भाजक और भागफल को गुना करते हैं और भाज्य आता है, ऐसे स्थिति में शेषफल शून्य होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, भाजक और भागफल को गुना करो और आपको क्या प्राप्त हो रहा हो, भाज्य प्राप्त हो रहा हो, ऐसे स्थिति में शेषफल क्या होता है, शून्य होता है। यहां पर देखिए आपका भाजक क्या है, x माइनस वाई, भागफल क्या है, x माइनस वाई, दोनों को गुना करोगे तो क्या मिलेगा, भाज्य, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा, शून्य होगा, यहाँ पर शेषफल शून्य। तो यहाँ पर आंसर को लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, अतः भागफल बराबर x माइनस वाई तथा शेषफल बराबर शून्य, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो तरीका है हमने पूर्व की कक्षाओं में देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से जहां पर भागफल और शेषफल स्पष्ट पता चले, है ना, पहला वाला जो विधि बताया था यहाँ पर उस तरीके से बना, ठीक है।